तफसीरे रुख करते हैं दिल्ली के जामा मस्जिद का, जहां से हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आशीष, जामा मस्जिद में बहुत ज्यादा रौनक देखी जाती है ईद के मौके पर। हाँ, जाहिर तौर पे तान्या, सबसे पहले आपको ईद की मुबारक। और जामा मस्जिद में सुबह से ही रौनक थी, पौने आठ के करीब नमाज अदा की गई, उसके बाद ज्यादातर लोग कब्रगाह गए, खासकर अपने पूर्वजों के लिए, वहां पे जाके उन्होंने ईद की बधाइयां दी, उसके बाद ज्यादातर लोग अपने घर चले गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको ईद मुबारक, दूसरा ये बताइए कि घर में क्या क्या खाने को बनाए। हलवा बनाए, पूड़ी बनाए, सब्जी बनाए, और क्या कहता है, अनार और रसगुल्ले, बहुत कुछ बना है। अच्छा, ईद ईदी वगैरह कुछ मिली या फिर आपने किसी को ईदी दी? ईदी दी किसी को? ईदी दी बहुत है। अच्छा, और भी लोग जुड़े हैं तानिया, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज ईद है, क्या ईदी मिली घर पे? 100 रुपया मिला। 100 रुपया मिला, खाली 100 रुपया मिला। अच्छा, कुछ खाने को तो मिला ही होगा? हाँ, सेवई बना है, जर्दा बना है। हमें भी ले चलेंगे अपने घर खाने के लिए? चलो। हाँ, तो देख सकती है तानिया आप, लोगों के मन में ईद को लेके काफी ज्यादा हर्षोल्लास है। और जाहिर तौर पे पूरे देश में ईद मनाई जाएगी, लगभग 3 दिनों तक मनाई जाएगी, चूंकि आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार, लगातार 3 दिन ये मीठी ईद मनाई जाएगी। बिल्कुल आशीष, तो आप भी सिवई खाकर आना मत भूलिएगा। लेकिन रात भर भी वहां पर बहुत ज्यादा रौनक रहती है, बहुत ज्यादा खरीदारी देखने को मिलती है, खास करके जामा मस्जिद का जो पूरा इलाका है वहां पर। हाँ बिल्कुल, रात भर यहाँ पे रात गुलजार रहती है, रात पूरी रोशन रहती है, क्योंकि लोग रात भर ईद की तैयारियों की जश्न में डूबे रहते हैं, और खासकर शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं, सेवैयां लेते हैं और तमाम तरह की चीजें लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, ईद की खासियत ये है कि 30 दिनों के बाद आती है, 30 दिनों के रोजे के बाद आती है, और रोजे की खासियत ये होती है कि रोजा केवल भूखे रहने का नाम नहीं, रोजा पूरे शरीर के लिए होता है। उस दौरान ना कुछ बुरा बोला जाता है, ना कुछ बुरा देखा जाता है। इसके साथ ही कुरान में भी ये लिखा है कि अगर जो 30 दिन सच्चे ईमान से रोजा रखेगा, उसको जन्नत के लिए उसके दरवाजे खुलेंगे, जहन्नुम के दिन जन्नत के लिए उसके दरवाजे खुलेंगे। तो ऐसी तमाम बातें लिखी हैं, और जाहिर तौर पे लोग ईमान से रोजा रखते हैं और उसके बाद इनाम के स्वरूप उनको ईद मिलती है, और उसके बाद वो ईद को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, पूरी रात शॉपिंग करते हैं, और उसके बाद सुबह आके ईद की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान जाते हैं, अपने पूर्वजों को ईद की बधाइयां देते हैं, और वहां पे वो लोग पूजा करते हैं, उसके बाद वो लोग अपने घरों पे जाते हैं और सेवैयां और बाकी जो दूसरी चीजें हैं उसका लुत्फ उठाते हैं। बिल्कुल, और आज ये लुत्फ आप भी उठाने वाले हैं। आशीष, आपके पास वापस